एक बार कैलाश पर्वत पर कैलाशपति शंकर भगवान की सेवा करते हुए पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के स्वामी शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो स्त्रियों को पातिव्रत्य देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला है। अब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित देवी सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। वट वृक्ष या बरगद का पेड़ त्रिमूर्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। पेड़ की जड़ें भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तना भगवान विष्णु का प्रतीक है और पेड़ का ऊपरी भाग भगवान शिव का प्रतीक है। इसके अलावा पूरा वट वृक्ष सावित्री का प्रतीक है। स्त्रियां इस दिन अपने पतियों की सुरक्षा के लिए पवित्र व्रत रखती है और उनके अच्छे भाग्य और जीवन में सफलता के लिए भी प्रार्थना करती है। मद्र नामक राज्य में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। राजा अश्वपति संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री देवी के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को किया, जो सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और कुछ समय के बाद उसी राजा के यहां देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा को कन्या की प्राप्ति सावित्री देवी की प्रसन्नता से उनकी पूजा करने के बाद हुई, इसीलिए राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो सुकुमारी युवावस्था को प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई वह कन्या सावित्री महर्षि भृगु द्वारा बताए गए सावित्री व्रत को करने लगी। सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप सखियों से घिरी हुई वह राजकन्या सावित्री एक दिन पिता के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर राजा के पास रखे हुए आसन पर आकर बैठ गई। युवावस्था को प्राप्त हुई कन्या देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूं। अथे पुत्री, देवताओं और समस्त संसार के सामने मैं जिस तरह निंदनीय न हूं, वैसा ही तुम करो। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको अनुमति देकर भेज रहा हूं कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। मेरी बात को मानो और अपनी सहायता के लिए वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ। राजकन्या सावित्री इसके बाद जैसा पिता कहते हैं वैसा ही होगा कहकर घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी। और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा।
आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। हे देवर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा थे जो दैववश अंधे हो गए थे। उनका एक ही छोटा पुत्र था। उस समय अवसर पाकर रुक्मी नामक एक सामंत ने राजा को धोखा देकर उनसे उनका राजपाट छीन लिया। राजपाट छीन लिए जाने के बाद आर्य द्युमत्सेन छोटे बच्चे और अपनी स्त्री को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है और वो बहुत धार्मिक, सदाचारी और सत्यवादी पुरुष है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती हैं और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसे चित्राशु भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत्सेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि सत्यवान आज से ठीक एक वर्ष पर अपनी आयु समाप्त हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, हे पिताजी, राजा लोग कोई भी आदेश एक बार ही देते हैं, ब्राह्मण एक ही बार ही कहते हैं और कन्यादान भी एक ही बार दिया जाता है। ये तीनों कर्म बारंबार नहीं, एक बार ही किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैंने आपके आदेशानुसार वर का एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। सावित्री की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको स्वीकार हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री सावित्री का विवाह धर्मात्मा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से कर दिया। सावित्री मनोभिलषित उस सत्यवान को पति पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को देखकर प्रसन्न होता है। इसके बाद शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार आश्रम में उन सावित्री और सत्यवान का कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक सत्यवान की भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। सावित्री ने नारद जी की बताई हुई तिथि से गणना की कि सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति के मरने की तिथि है। यह सोचकर तीन रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद तीन रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास श्वसुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधने लगा। लकड़ियों को काटते काटते अचानक उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की पीड़ा मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, हम बाद में अपने आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले क्रीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्म से विमुख करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से विमुख करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपटों के समान ही समझिए। सावित्री के सामने उदित हुए पुरुष यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार उचित दंड देने वाला यम हूँ। हे पतिव्रता सावित्री,
समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने यमपाश को फेंक कर सत्यवान के शरीर से उसकी जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने उस देवी से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई। पतिव्रता होने के नाते तुम चलने में थकती भी नहीं हो। पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है। अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, हे यमदेव, इस संसार में सब प्राणियों के स्थान हैं, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री अपनी बात पर अड़िग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही, हे पतिव्रता सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मेरे श्वशुर जी को देखने की शक्ति के साथ साथ उनके राज्य को फिर से प्राप्त करने का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को पीछे आते हुए पाया। उन्होंने सावित्री से कहा कि, हे देवी, कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, आपके जैसे पिता तुल्य के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों का सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा कोई नहीं। सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से बोले, हे पतिव्रता नारी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सदैव ही शुभ हो, परंतु मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ, परंतु तुम चाहो तो मुझसे एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हे सूर्यपुत्र, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मेरे अपने पिता के लिए 100 संतानों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज, तथास्तु कहकर वहां से आगे चले, परंतु थोड़ी देर बाद सावित्री को अपने पीछे आता हुआ पाकर यमराज तनिक क्रोध में बोले, हे पतिव्रता सावित्री, आप कृपया देव कार्य में विघ्न न डालो। मैं आपको 2 वरदान पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से लौट जाओ तो मैं आपको एक अंतिम वरदान और देता हूँ, परंतु मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ। सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर कहा, जिस प्रकार ब्राह्मण की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है, उसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति होता है। परंतु आप अगर मुझ पर विशेष प्रसन्न हैं, तो वर में मुझे 100 संतानों की माता और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। सूर्यपुत्र, यमराज ने क्रोध में होने के कारण बिना सोचे विचारे कहा, तथास्तु, और आगे चलने लगे। परंतु वरदान प्राप्त करने के बाद अब सावित्री ने यमराज के पैर पकड़ लिए और बोली, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 संतानों की माता और सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। या तो आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए अथवा मुझे भी अपने साथ यमलोक ले चलिए। यमराज अपने ही दिए वरदान की मर्यादा में फंस चुके थे। उन्होंने सावित्री को दिए हुए वरदान के लिए आशीर्वाद देकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां उसके पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ अपने आश्रम को चली गई। जब दोनों आश्रम पहुंचे तो देखा कि उनके पिता धर्मात्मा द्युमत्सेन को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई है और उसके बाद उन्हें राज्य की भी प्राप्ति हुई। उसी सावित्री ने
ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस वट सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से सत्यवान के प्राण लौट आए, उसके श्वसुर को पुनः नेत्र और राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री और उसके पिता दोनों को ही 100-100 संतानों का अनुपम सुख प्राप्त हुआ। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी पार्वती जी, इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया है। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।